नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से। दोस्तों, आज मैं ग्रहों की सीरीज में सूर्य खाना नंबर 6 में उसके प्रभाव, सावधानियां और उपाय लेकर आई हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सूर्य खाना नंबर छः में होता है तो यहाँ सूर्य का प्रभाव मंदा होता है। यहाँ बुध की राशि होती है और केतु का पक्का घर होता है। सूर्य और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, पर यहाँ केतु का पक्का घर होने की वजह से सूर्य का प्रभाव मंदा होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर सूर्य खाना नंबर 6 में आता है तो ऐसा व्यक्ति हठधर्मी होता है, जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है, गुस्से में मारपीट तक करने वाला होता है। दोस्तों, अगर सूर्य खाना नंबर 6 में जब आता है और उसी समय पर अगर खाना नंबर 2 खाली होता है तो ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद उसका 5 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में और 21-22 साल की उम्र में अपने पिता के उम्र पर भारी पड़ता है, उसके पिता के जीवन में तकलीफें आती हैं। दोस्तों, जब सूर्य खाना नंबर 6 में होता है तो अगर मंदा हो तो ऐसा कहा जाता है तो केतु से संबंधित परेशानियां आती हैं। पैरों में तकलीफ होती है, घुटनों की तकलीफ होती है, स्पाइन की तकलीफ आ जाती है, मूत्र संबंधी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अगर सूर्य खाना नंबर 6 में हो उसी समय शनि खाना नंबर 12 में हो तो पत्नी का सुख कम मिलता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं। खाना नंबर 12 सैया सुख कहा गया है, इसीलिए अगर दृष्टि संबंध बनता है तो वहाँ पत्नी का सुख कम देखने को मिलता है। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 6 में जब होता है तो ऐसा कहा गया है कि पिता और पुत्र जब एक साथ रहते हैं तो उनको किसी एक को ही अपने काम में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए पिता पुत्र को एक दूसरे से दूर रहकर काम करना चाहिए, तभी उन दोनों को कार्य में अपने सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि जब सूर्य खाना नंबर 6 में हो, शनि खाना नंबर 8 में हो तो राहु खाना नंबर 2 में हो तो शनि राहु और सूर्य में शनि राहु का प्रभाव आता है। इस बुरे प्रभाव की वजह से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, उसको अपने कार्य क्षेत्र में, राज दरबार में उसको कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपने काम को बदलता रहता है, उसके काम में कभी स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जब नर संतान पैदा होती है उसके बाद से ही इसके जीवन में, कार्य क्षेत्र में स्थिरता आना शुरू होती है, जीवन में व्यक्ति प्रगति करता है। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर छः में हो तो अगर मंदा प्रभाव दे रहा होता है तो केतु की अस्या से संबंधित परेशानियां खड़ी करता है, मामा अपने जीवन में परेशानियां भुगत रहे होते हैं। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 6 में जब होता है तो अगर ऐसा कहा गया, अगर शत्रु ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो ऐसा उसमें बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों से एक बार जरूर गुजरता है। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो अगर ऐसे व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई होती है, लोग इसकी अगर चुगली करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे प्रगति करता है। दोस्तों, अब आइए उपाय की बात करते हैं और सावधानी की बात करते हैं। सावधानी तो यही है कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने पिता से दूर रहकर ही कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। उपाय की बात करते हैं, आपको उपाय ये करना है कि आपको सबसे पहले सूर्य से संबंधित चीज़ों का, चंद्रमा बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान मंदिर में हमेशा करते रहना है, जैसे कि चावल, गुड़, चने की दाल, इस तरह की चीज़ें अगर आप मंदिर में पहुंचाते रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे कटती रहती हैं। दूसरा है,
सूर्य यहाँ बुध के घर में आया हुआ है, तो यहाँ बुध के उपाय के द्वारा यहाँ सूर्य को अच्छा करेंगे। इसका उपाय ये है कि आपको देवी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करनी है, छोटी छोटी कन्याओं की उनकी पूजा करनी है, जो 8 साल से कम की कन्या हो उनका कंजक पूजन करना है। इसके अलावा आपको चींटियों को भूरा, शक्कर और आटा मिलाकर डालते रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो खाना नंबर 6 में आया सूर्य है, अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने आज जो आपको सूर्य खाना नंबर 6 से संबंधित आपको जो उपाय सावधानियां बताई हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना है तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। आप अभी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपके कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।